ओम शांति। आइए हम सभी प्यारे बाप दादा माँ जी मिलने के लिए आभार रखे हैं। ओम शांति। शांति। आज 21 मई 2022 की मॉर्निंग है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी आ रही है। जी, क्लियर है। बाबा कहते, मिठे बच्चे श्रीमत में तो भी मन मत मिक्स नहीं करना, मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। बाबा कहते, श्रीमत में तो भी मन मत मिक्स नहीं करना, मन मत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न है बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बाबा का आंसर ना देखते हुए हम हमारे मन में सोचे कि बाबा से हम क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हिमाल शेयर करना चाहें, बाबा से हमारी कौन सी उम्मीदें होती हैं? परंतु बाबा कहते, ऐसी उम्मीदें मेरे से मत रखना। ओम शांति ओम दीदी। ओम शांति। बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रहती है? पहले बाबा बाबा से उम्मीद रखनी मतलब कि बाबा से कुछ मांगना नहीं है। मुझे लगता है जैसे कि कोई चीज जो हमेशा हम लोग अब जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं तो समझ आता है, तो मांगना नहीं है। बाबा से दी हुई जो भी शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान है, उसको यूज करके और शक्ति भर के फिर उस चीज को करना है। लेकिन बाबा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो वो चीज मांगना मांगना नहीं है। ओम शांति। जी, किसी को ऐड करना है? ओम शांति। ओम शांति। जैसे मैं मुझे लगता है कि बाबा से हम एक बहुत उम्मीद रखते हैं कि हम बाबा के बच्चे बन के जो भी विकर्म होते हैं हमसे देव भवन में आकर हम मन मत मिक्स करते हैं परम श्रीमत में और अपनी चाल चलने लगते हैं, दुख भी देते हैं और बाबा की बातों को फॉलो नहीं करते और संकल्पों से भी हम बहुत बहुत गड़बड़ करते हैं। और फिर हम पोता मिल जब लिखते हैं ना रात में, तुमको ये 100% उम्मीद रहती है कि बाबा सब कुछ माफ कर देगा। बाबा ने कहा तुम जिम्मेदार आत्मा है, तो ऐसी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा पूरा माफ हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा ही। और इनफैक्ट जब हम बाबा के बन गए तो हमें उसका ज्यादा इफेक्ट आएगा क्योंकि हम बीच से कनेक्टेड हैं, कर्तव्य परायण हैं, ऊंची स्थिति वाले हैं और बहुत आत्माओं से हमारा कनेक्शन है। तो ये मुझे लगता है। जय श्री बहन। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक ओम शांति। जय श्री बहन। जैसे ऊपर बाबा ने मिक्सचरिटी के लिए बोला है, कोई भी चीज मिक्स होता है, जैसे यू।
जैसे बाबा के श्रीमत है वो प्योर है एकदम, उसमें थोड़ा सा भी मिक्स जो होता है वो उसका टेस्ट हमने ज्यादा ले चुके हैं और फिर उसके प्रभाव में हम ज्यादा पड़ते हैं, और इसी कारण से वो श्रीमत भी, श्रीमत का कोई पार्ट उसमें रहता ही नहीं है, पूरा ही मन्मथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हमने कुछ ऐसी चीज आश रखा है बाबा से कि मुझे ये चाहिए करके मांगने वाला बात आ जाता है, तो वो कि वो बाबा से मांगने वाली बात होता ही नहीं है। हम ये अलग बात है कि बाबा से कुछ समझना चाहते हैं, पर जो मांगने वाला बात है वो हमारा जो दिमाग से मांगने का संस्कार है वो सत्ता दिखाई देता है, तो वो मनमत ही कह सकते हैं। जी ठीक है, जैसे सभी ने कहा मनमत और श्रीमत के ऊपर भी सारा डिपेंड करता है। हम समझ नहीं पाते फिर हमारी उम्मीदें शुरू हो जाती हैं, उसमें मिश्रती आती है। और जैसे सभी ने कहा कि भक्ति के संस्कार मांगने के वो आ जाते हैं यहाँ, जबकि बाबा हमको अधिकारी बनाने के लिए आया है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी उम्मीदें मेरे से मत रखो जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से पुरुषार्थहीनता की स्टेज है जो हम मांगना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए हमारा पुरुषार्थ चलता रहे बाबा की मदद से, फिर वो देने का मांगने का खत्म हो जाता है। बाबा का आंसर सुनते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कुछ कृपा करो। अब बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती ही है, इसमें बाबा क्या करें। कोई मर गया, देवाला निकल गया, इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो, यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। जैसे हमने पहले भी देखा, जितना जितना हम बाबा से योग लगाते हैं हमारा एट ऑल लेवल्स क्लैरिटी आती जाती है, क्लियरेंस होते रहता है बॉडी में भी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड, इसलिए हमारी आयु भी बड़ी होती है। तो बाबा के तो पुराने ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी। योग बल से हम इसको भूल सकते हैं, जैसे बाबा ने लास्ट टाइम दिखाया था अशरीरीपन, जितना अशरीरीपन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये महसूसता कम हो जाती है। गीते तुम्हें रात गवाई सोती, दिन गवाया खाती, ओम शांति। बच्चों को ओम का अर्थ तो बताया है, ऐसे नहीं ओम माना भगवान, ओम अर्थात अहम अर्थात मैं कौन, मेरे यह ऑर्गन्स, मैं कौन, मेरे यह ऑर्गन्स, माना कि अभी हमारी बुद्धि में ही। तो बाबा इस मैं को निकाल क्लैरिटी बता रहे हैं। आप भी कहते हैं अहम आत्मा, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, माना परमात्मा हूँ, वह है परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा। कहते हैं मैं शरीर का मालिक नहीं हूँ, मैं क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर कैसे हूँ यह समझने की बातें हैं। मैं स्वर्ग का रचयिता जरूर हूँ, सत्युग को रचकर कलयुग का विनाश जरूर कराना ही है, मैं करण करावन हार होने के कारण मैं कराता हूँ। ऐसे कभी किसी को एक्सपीरियंस हुआ है कि बाबा ने कराया और मैंने कुछ नहीं, बस तो बाबा की याद में था थी और वो हो गए। कई बार एक्सपीरियंस आ गया होगा, अपना अपना है, किसी को ऐसे एग्जांपल याद है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हम मेरा एक्सपीरियंस था कि जब मैं ज्ञान में आई आई थी तब माय पेरेंट्स वेर वेरी मच इनटू भक्ति एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड टू इंट्रोड्यूस इट टू देम कि उनको कैसे ये सब बताऊंगी।
सो आई टोल्ड बाबा कि बाबा बाकी सब तो आई विल डू, मतलब आप जैसे गाइड करेंगे, मगर पेरेंट्स को बताने का और उनको कन्विंस करने का काम आपका है. सो आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली दैट आई व्हेन आई हैड गॉन थ्रू द लेन्स ऑफ माय हाउस एंड आई वाज जस्ट एंटरिंग, आई केप्ट ऑन कॉलिंग बाबा, बाबा ये आपने करना है, ये आपने करना है, आई एम गिविंग इट टू यू, आई एम गिविंग इट टू यू. एंड व्हेन आई मेट माय पेरेंट्स एंड आई कॉल्ड, आई टोल्ड देम, आई डोंट नो व्हाट आई सेड, इवन टिल नाउ आई डोंट रिमेम्बर मैंने क्या बोला, मैंने कैसे उनको, क्योंकि वो पूरे ज्ञान, वो पूरे भक्ति में थे, उनके लिए ये सब बिल्कुल कुछ को अभी भी नहीं जानते. बट टिल नाउ माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी अनकंडीशनली. सो बाबा ने क्या बुलवाया और उनके मन से क्या निकलवा, पाप बोथ माई पेरेंट्स ओके एंड जनरली दे डोंट अलाउ इन इन इट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग भक्ति में, बट दे अलाउड इट अनकंडीशनली. सो आई रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली, उनका जो सपोर्ट है ना, वो बिगेस्ट सपोर्ट आज दिन तक रहा है. सो आई फील दैट वो मेरे को अभी भी याद, अभी भी आई कैन नॉट फॉरगेट कि बाबा का जो वो क्या कहा बाबा ने और कैसे किया, आई डोंट नो, बट बाबा ने कराया, बाबा ने किया रादर. ओम जी बहुत सुंदर. और भी कुछ है ऐसा एक्सपीरियंस किसी का? शांति की थी. ओम शांति. एक बार अभी रिसेंटली भी मैं वो इंसिडेंट याद कर रही थी कि एक यहाँ सेंटर की दीदी है और दीदी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी. तो हमारा तो यही होता है ना कि अच्छा दीदी बड़े हैं और हम छोटे हैं, उस फीलिंग तो हमेशा रहता है. और जब मैं दीदी दीदी को देखने गई वहाँ हॉस्पिटल में, तो उनको जैसे वो ज्यादा तकलीफ में थी और जैसे मैंने उनको जैसे थोड़ा सा हाथ में ऐसे मालिश करके ऐसे किया, तो उस टाइम पे मैंने सोचा मैंने ऐसे कैसे किया, जैसे जैसे एक माँ या एक पेरेंट बच्चे को करते ऐसे उस टाइम पे मैंने किया था, लेकिन मैंने कॉन्शियसली नहीं किया. तो शायद वो बाबा को कराना था उनको, तो फिर वो मैं खुद अपने पर्सनालिटी से मैं वो नहीं करती, तो मुझे वो फील हुआ कि अच्छा बाबा को कराना होगा इसलिए बाबा ने ऐसे करवाया. जी और किसी को शेयर करना है? ओम शांति. ओम शांति से बोलिए. ऐसे तो हम बाबा का करावन हार हैं, तो हमेशा ही ऐसा अनुभव होता रहता है, पर आपने एक के लिए बोला है तो शेयर करूंगी. अभी ये ग्रुप मंथन, जो मुरली मंथन जो है, तो हम मोबाइल चेंज होने के कारण थोड़ा सा वो हो गए थे, मिस हो गया था हमारा नंबर भी मुरली मंथन का. तो जी फिर कुछ दिन बाद हमको मालूम चला कि मुरली तो चल रही है, तो फिर हमने ऐड कराने का किया, ऐड हुआ हमारा. फिर अब ये था, हो गया था कि रेगुलर मुरली हम ही सुनाते थे थिएटर पे, कि मतलब पहले तो हो जाता बहाना कर रहे थे कि हमारा काम चल रहा है, हमारा सेवा चल रही है, अब जरूरी मीटिंग चल रही है इसलिए हम बिजी हैं अभी, तो कोई और मुरली सुना दे, क्योंकि बाहर के भाई बहन तो आते नहीं, सेंटर से ही रहते, ग्रामीण क्षेत्र का अपना आश्रम है. तो लेकिन अब तो प्रति बहन मुरली सुना रही थी, तो स्टार्टिंग उसी दिन जिस दिन हमारा जुड़ा हुआ, हम कहे बाबा अब संडे की मुरली थी, तो हम कहे अब क्या करें, अब तो बस 7 बज रहा है, क्योंकि उस टाइम 7 बजे ही मुरली होती थी. उनका 7 बज रहा है, आप कोई लोग बोलेंगे दीदी के लिए मुरली सुनाइए, क्या होगा, समय आप पूरा हो रहा है, हो रहा मतलब. तो खुद संकल्प से भी चल रहे थे, लेकिन फिर स्टॉप भी कर दिया कि बाबा जो होगा तो देखेंगे वहाँ. तो अपने आप ही वो जैसे 7 बजे, 7:15 हुआ, वैसे अपने आप ही बोलने लगे, हो गया आप मीटिंग कर लीजिए अपनी, हम मुरली कर लेते हैं. हमने कहा बाबा की मतलब इतनी जल्दी बाबा अपने होने का एहसास करा देते हैं कि आप निश्चिंत रहो ना, क्यों आप आपको संकल्प चलाने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे माता भी आई थी, तो वो भी बहुत परेशान थी, तो हमने कहा कि आप कैसे आ गए, बोले कि मैं यहाँ से जाऊंगी ही नहीं, अब उसे घर वाले आ रहे हैं लेने के लिए, लेकिन वो जा ही नहीं रही है. तो हम जाए, उसका पति आके गुस्सा करने लगा बहुत तेज, उसको मारपीट करने लगा, तो हमने कहा कि आप चले जाओ ऐसे. फिर हम थोड़ा सा लगा कि माताएं बहनें इतना संघर्ष करती हैं,
क्यों करती है वो, जबकि वो दारू पी रहा है, ये दूसरे औरतों के साथ मतलब गलत व्यवहार था उसका। तो क्या ऐसा कि बाबा क्यों लेके आए थे आप इसको, जब ऐसे ही भेज देना था उसको। एक हार सी लगती है जो माताएं ऐसे सहन करती हैं। तो हम बाबा से बोले, बाबा आप क्यों लेके आए थे जब उसको कुछ रिजल्ट नहीं होना था, निकलना था। तो बाबा अपने आप ही उसको अंदर, जैसे वो कपड़े लेने के लिए आए तो वो बाबा अपने आप ही, जब हम अंदर गए, कहे कि आप लोग ऐसे मत निकला करो, जब आप जानते हो कि ये पाती लोग आपके ऐसे हम सामना नहीं कर पाएंगे, तो आप लोग ऐसे मत निकला करिए कि बाबा का घर इस तरह बदनाम होता है कि हम लोग ऐसा कराते हैं। तो वो बोलती है कि दीदी मैं तो निकल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर एकदम रुक रहे हैं, मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, बस मैं आ गई हूँ अंदर कपड़े लेने के लिए, मैं निकल नहीं पा रही, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या आप जानिए आप क्या करना है। तो वो उस टाइम नहीं गई, वो पति के बुलाने पर वो नहीं गई कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। तो नहीं जाइए, कुछ भी हो फिर रिपोर्ट करेंगे, फिर बात पुलिस आएगी, ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगता है। बोली नहीं दीदी मुझे बाबा रोक रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। हमने कहा हम सही है, बाबा हो सकता है रोक रहे हो। फिर बाबा दूसरे दिन उसको इतना शक्ति भर की वो खुद बोली कि दीदी मुझे आप लोग भेजने जाइए वहां पर, घर में इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। तो फिर हमको फिर लगा कि अब बाबा कराने लगे कुछ। तो हम बाबा से क्वेश्चन किए कि बाबा आप क्यों लेके आए इसको। तो अब फिर समझ में आया कि बाबा कुछ कराने के लिए अब बोल रहे हैं। तो बोले कि अब अपने आप ही वो चीज हमारे अंदर आने लगी कि नहीं, ये कि ये नई दिशा, ये कुछ ये लोगों का कल्याण करने के लिए आई है ये। अब ये वो रूप लेके नहीं जाएगी, अब दूसरा रूप लेके जाएगी यहाँ पर। अचानक बाबा हम आतंक भरने लगा हमारे अंदर, और हम उसको पत्तियां भरने लगे उसके अंदर, उसको जोश भरने लगे, और वो ऐसा बन के गई यहाँ से कि अब वो बिल्कुल बाबा की बच्ची बन करके गई। वो अब वो उसकी युगल बन के नहीं गई, वो अब सबका कल्याण करने के हिसाब से थी। तो हम कुछ और सोचते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों क्यों, लेकिन बाबा का तो अलग ही सोचना रहता है। जी थैंक ओम शांति। यू सभी का, सबने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे लगता है सभी का अपना अपना होगा ही, जैसे बाबा हेल्प करते हुए कराते हैं। बाबा आगे कहते हैं, ये कौन कहते हैं, परमपिता परमात्मा। फिर कहते हैं, मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ, ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो जब बाप के साथ रहते हो। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो जब बाप के साथ रहते हो। उनको स्वीट होम भी कहते हैं कि जब सृष्टि रची जाती है तो पहले ब्राह्मण रचते हैं जो फिर देवता बनते हैं, वह पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा एवर पूज्य है, आत्मा को तो पुनर्जन्म लेना ही है, बाकी 84 लाख तो हो नहीं सकते। बाप कहते, तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते, मैं बताता हूँ। 84 का चक्र कहा जाता है, 84 लाख नहीं। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं, मानिकम याद करो, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। यह पुराना शरीर पुरानी दुनिया है, यह देह तो खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप हुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते, बाबा ये ज्ञान कब तक चलेगा? जब तक भविष्य देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते ही रहेंगे। बाबा क्लियर करते हैं, इम्तिहान पूरा होगा फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। जब तक शरीर को कुछ न कुछ होता रहता है, यह शारीरिक रोग भी कर्म भोग है। बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है, तो भी खांसी आदि होती है तो बाबा कहते हैं, यह तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे तुम्हारा ही हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको भी फायदा है। तो ऐसा क्या चेंजेस बाबा की याद में होते हैं कि हाँ, हमको हिसाब किताब भी महसूस ना हो?
और हमको ऐसे लगे ही नहीं कि शारीरिक भोग आ गया है। तो ऐसे क्या चेंजेस होते हैं कि बाबा योग बल के बारे में बोल रहे हैं? ऑर्गन्स तो पुराने हैं, व्हाट हैपन्स एट ऑर्गन लेवल, कुछ शेयर करना चाहेंगे? कृष्णा दीदी, ओम शांति ओम शांति। जी। जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा जब ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है ना कि जिन वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं मन के लेवल पे, तो वो चीजें हम एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हमारे कार्मिक अकाउंट है, या फिर हमारा जो नजरिया चेंज होता है देखने को तो वो भी सूदिंग होने लगता है। मतलब वो एकदम से नहीं होता, डे बाय डे हम एक्सेप्टेंस होती है, फिर कंप्लेंट्स धीरे धीरे कम होती हैं और ड्रामा देखने लगते हैं, तो फिर हम क्या होता है हमारा मन शांत रहने लग जाता है बहुत सारी जगह। तो मन का इफेक्ट फिर हमारी बॉडी पर पड़ता है, तो भले ऑर्गेन्स पुराने हो लेकिन पहले वो सभी ऑर्गेन्स पे और प्रेशर पड़ रहा होता है स्ट्रेस की वजह से, या सप्रेस कर रहे होते हैं उसकी वजह से, वो चीजें धीरे धीरे हील होने लगती है। हम खान पान भी जो अपना शुद्ध करते हैं पहले से, लाइट करते जाते हैं, थोड़ा कम भी करते हैं, या रॉ फूड पे ज्यादा थोड़ा और ध्यान देते हैं, तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होने लगती है और उसका इम्पैक्ट अच्छा ही आता है। ओम शांति। जी थैंक यू। और किसी को शेयर करना? जैसे कि निर्मल दीदी ने भी कहा और हम सबका एक्सपीरियंस भी है, जैसे सबने देखा होगा, जब जब हम देह भान में ज्यादा रहते हैं तो शरीर भी जैसे खींचता है, जब जब देही अभिमानी स्थिति रहती है हम बहुत लाइट रहते हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ भी वैसे ही चलता है। तो बीमारी के लेवल पे मैंने इतना अनुभव नहीं किया है, पर जितना भी है सबने शेयर भी जो किया था, और लास्ट इसमें उसका असर तो जरूर होता है एट थॉट लेवल, जैसा जैसा आप सोचते हो वैसे वैसे चेंजेस आते हो। तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स बाबा बोलते हैं, बट साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि इसमें भी जो सेल्स है वो चेंज होती जाती है, भले पुराने से तमो प्रधान इससे तत्वों से ही वापस बनता है, पर अगर ये जैसे कि बोलते हैं लीवर 4 साल में रिपेयर होके फिर से टोटली चेंज होता है, स्किन ऑल्सो गेट चेंज विद इन 2 ईयर्स, ऐसे कुछ ड्यूरेशन है हर एक ऑर्गन का। तो मुझे जैसे लगता है हम जब ज्ञान में आते हैं तो उसका चेंज ऑफ लेवल डिफरेंट होगा जो कि बाकी मनुष्य आत्माओं के, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर तक भी इसमें चेंजेस अलग लेवल के आते होंगे, ऐसे मुझे लगता है। तो आप और भी सोच सकते हो इसके लिए। बाबा कहते अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो, है ना? बाबा कहते अपनी मेहनत करो, है ना? खाना पीना, लाइफस्टाइल, और इट ऑल डिपेंड्स। तो शरीर में जो भी कुछ हो रहा है आपके हाथ में है, तो बाप की याद में कल्याण है, जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते हैं ना, मुझे पलकों में छुपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं। नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप पलकों में छुपा लेते हैं, पलकी कोई आंखें नहीं, यह तो बुद्धि में याद रखना है। यह ज्ञान हमको कौन दे रहे हैं? मोस्ट बिलेवर्ड निराकार पाप जिसकी ही महिमा है, पतित पावन ज्ञान का सागर, सुख का सागर उनको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। तो फिर हर एक मनुष्य का मनुष्य ज्ञान का सागर, सुख का सागर होना चाहिए, परंतु नहीं, हर आत्मा को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है। यह है बहुत गुप्त बातें। बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
मुक्त आश गुप्त इस पे बाबा का बहुत चल रहा है। जैसे ऊपर भी बाबा ने कहा जो प्राण पैर एक चीज है वो गुप्त होने से इतना लव नहीं ठहरता। और यहाँ पे भी बाबा कह रहे पतित पावन ज्ञान का सुख का सागर उनको सर्वव्यापी कह दिया है, परंतु मनुष्य को ज्ञान का सागर सुख का सागर नहीं कह सकते। तो बाबा के लिए ये बड़ी गुप्त बातें हैं, इससे क्या कहना चाहते हो? कोई शेयर करेंगे? क्वेश्चन है कि मोस्ट बिलेवड निराकार बाप जिसकी इतनी सारी महिमा है लेकिन उनको तो सर्वव्यापी कह दिया है, तो फिर हर एक मनुष्य भी तो ज्ञान का सागर सुख का सागर होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, तो ऐसा क्यों? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि ऐसे हो जाएगा दीदी कि जैसे बाप और वैसे बच्चे हो जाएंगे, तो एक जो डिफरेंस है बाप और बच्चों का वो जैसे खत्म हो जाएगा। जैसे एक बारी और ऐसे प्रश्न था कि सब अगर परमात्मा हो जाए तो क्या होगा, मैं आत्मा अगर परमात्मा बन जाऊं तो। जैसे बहुत अच्छा दीदी ने, हिमा दीदी ने तब बोला था कि हम जैसे अनाथ की फीलिंग आ जाएगी हमको कि हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं और हम किसको बाप कहें किसको बाबा कहें, तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा सब, जैसे बाप समान हो जाए, बाप ही हो जाएंगे, बाप समान भी नहीं बाप ही हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान का सुख का सागर बन जाएंगे। फिर भगवान का आना, सृष्टि चक्र का चलना, जैसे सब कुछ ठहर जाएगा, कुछ भी चलने जैसा नहीं रहेगा कि ड्रामा का सीन है जो चल रहा है एक के बाद दूसरा आ रहा है, क्योंकि जैसे बाबा स्टिल है उसमें डाउन नहीं जाता है अप नहीं जाता है, वो अपनी अवस्था में है कि वो सागर है। ऐसे अगर बच्चे भी मनुष्य भी अगर सागर हो जाएंगे तो जैसे पूरा खेल रुक जाएगा, ऐसा थोड़ा समझ में आ रहा है। ओम शांति। मुझे भी लग रहा है जो हमने भक्ति में भी कह दिया ना कण कण में भगवान है, तो वो यहाँ पे भी बात लागू होती है। कण कण में तो नहीं है, हमने उसको पाया है इसलिए इंसान पुकारता है कि अगर सभी आत्माओं में या सभी आत्माएं उसकी तरह होती तो। इसलिए बहुत सुंदर हर एक का पार्ट बाबा ने जैसे अनादि पार्ट डिसाइडेड है, तो यही गुप्त बातें हैं। ओम शांति। जय श्री बहन। ओम शांति। इसमें एक पॉइंट है छोटा सा जो मुझे आ रहा था समझ में, कि मनुष्यों की इंटेंशन को जानना इजी है, माना मनुष्यों की इंटेंशन क्या है, भावना क्या है, एक समय के बाद वो जान सकते हैं, उनसे मिलते जुलते सुनते उनकी बातें या उनसे व्यवहार में आते हैं। लेकिन बाबा को हम जितना बाबा को हम गहराई से अगर हम बाबा को अनुभव करेंगे तभी बाबा और गहराई बातों में लेकर आते हैं हमारी। कई बारी हमको कई चीजें ऐसी दिखाई पड़ती हैं इन द प्रैक्टिकल वे कि ये चीजें बहुत पॉजिटिव नहीं हो रही है लाइफ में, है ना, लेकिन उस बात की गहराई जो बाबा ने उस दिन हमें श्रीमत दी है उसकी एक अलग ही लेवल हमारे सामने निकल के आती आएगी यदि हम उसमें धैर्यवत रहे, हिले नहीं और क्वेश्चन क्रिएट ना करें। तो जिसको बाबा ने अभी शुरू शुरू में कहा कि भाई श्रीमत में मन मत मिक्स करना, तो ये मुझे समझ में आ रहा था। श्री बहन थैंक यू बाबा। आगे बाबा कहते जी ये जो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सर्वव्यापी तो सभी सुख का सागर ज्ञान का सागर हो जाएं, तो ऐसे जर्निंग चल रही थी अभी सुनते सुनते कि सभी एक समान हो जाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे सब हो गए, तो वो जो सृष्टि है ना ये जो वंडरफुल ड्रामा ये मजेदार नहीं रहेगा,
वैरायटी नहीं होगी और किसी के पास करने को कुछ नहीं होगा। अगर सब एक समान है, बिल्कुल धन दौलत रंग रूप और बहुत सारी चीजें हैं, सभी को ज्ञान ही ज्ञान है कुछ है, तो सच में बोरिंग हो जाएगी। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक बार एक प्रिंसिपल से किसी ने कहा था कि सभी बच्चों के मार्क्स ना एक समान आने चाहिए। जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, किसी के इतने कम किसी के इतने ज्यादा, तो वो अच्छा फील नहीं होता। बच्चों सब मेंटेन रहना चाहिए। तो प्रिंसिपल ने उनको समझाने के लिए कहा कि हम सबको एक एवरेज मार्क्स दे दिए, जो 30% थे, 40, 60, 90% थे, तो उन्होंने एवरेज मार्क्स दिए सबको 70%। तो उससे क्या हुआ कि जो डाउन में थे बच्चे वो बहुत खुश हो गए कि बिना मेहनत के देखो हमने, मतलब बहुत ही माइनर सी जैसे करते हैं हमेशा, और हमारे इतने अच्छे आ गए। और जो 90% पे बच्चे थे उन्होंने कहा हम इतनी मेहनत क्यों करें, जब हमारे 90% की हम मेहनत करते तो हमारे 70 आए, एवरेज सबको दे दिए। तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जाम तक जो 90% मेहनत करते थे उन्होंने और कम कर दी, तो वो 70% तक मेहनत करी, और जो 30 वाले थे वो और लेजी हो गए। तो उसके बाद परसेंटेज जो ओवरऑल निकल के आई वो 50%, और उसके बाद और डाउन चली गई। तो इसी तरह अगर सभी एक समान हो जाएंगे, बाबा कह रहे हैं ना अविनाशी पार्ट सबको अलग अलग मिला हुआ, अगर सभी एक जैसे कैटेगराइज कर दें या धन में और में, तो क्रिएटिविटी शेष नहीं रहेगी, किसी को करने का कुछ मन नहीं करेगा, कोई एफर्ट लेगा ही नहीं, सब एकदम आलसी और वो हो जाएंगे। और ये ड्रामा का ये सबसे वंडरफुल पार्ट यही है कि इसमें जो करेगा सो पाएगा, ये दिया फ्रीडम भी है, लेकिन उसमें हम जितना करें उतना पा सकते हैं। ओम शांति। वंडरफुल एग्जांपल आपने दिया, थैंक यू। बाबा आगे कहते हैं पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सत्युग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाप रचते हैं। कैसे रचते हैं सो तुम बच्चे जानते हो। कहते हैं मैं आता ही हूँ पति तुकु पावन बनाना, तो पति सृष्टि में आकर पावन बनाना पड़ेगा। गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, उनके मुख द्वारा ज्ञान सुनाते और श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। बच्चों को कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। यहाँ माया है इसलिए तुम्हारे कर्म विकर्म ही बनेंगे। माया के राज्य में जो कुछ करेंगे उल्टा ही करेंगे। बाबा ने हमको अभी उल्टा करना सिखाया है, कैसे श्रेष्ठ कर्म सिखला के बाबा की याद में जो भी हम कर्म करेंगे वो उल्टा ही होगा। बाबा कहते मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठयोगादि सिखाते हैं। यहाँ तो बस एक बाप को याद करना है, मुख से शिशु भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है, जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेगी, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना उसकी है रेस। इसका क्या पुरुषार्थ है, बाबा ने यहाँ एक तो बता दिया, जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे। और क्या क्या पुरुषार्थ हो सकता है, बाबा ने आगे भी कहा चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाए, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। तो ये सारी बातों के लिए पुरुषार्थ हमारा क्या हो सकता है कि हमको देह भी ना याद आए और हम बाबा के गले का हार बने। ओम शांति। जैसी मैं इसमें मुझे लग रहा है कि जो बाबा कहना चाह रहे हैं, दो इसमें पुरुषार्थ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो अभी बहुत वर्किंग करनी है ब्राह्मणों को। पहला तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाना, जो भी सिचुएशंस आती हैं, बातें आती हैं, उनमें हमारे जो क्वेश्चंस चलने लगते हैं उससे हम माला से दूर हो जाते हैं, माना और पीछे चले जाते हैं या फिर माला बन ही नहीं पाती है। माला बनना माना एक रस स्थिति रहना। और दूसरा है समर्पण बुद्धि, जिसके बाबा के समीप
आएंगे, बाबा के गले के हार में समीप रतन बनेंगे। तो जैसे बाबा दो दिन मुरली में, दो बार बाबा ने अभी कहा है पिछले, हीरे तूले जीवन जी। तो जितना कंप्रेशन को सह पाएंगे, जितना प्रेशर को सह पाएंगे, समर्पण बुद्धि रहेंगे, और जितना जो बाबा ने कहा कि जितना हम वो करेंगे हर बात को फुल स्टॉप लगाएंगे, उतना हम ये दोनों चीजों में हम नंबर वन पा सकते हैं। थैंक यू बाबा। देखो भी याद ना पड़े, इसका कोई ऐड करना चाहेंगे? ओम शांति। बाबा ने अभी पिछली मुरली में बोला था कि बच्चे हर समय अपना प्रकाश का शरीर देखो, और प्रकाश के शरीर से ही अनुभव करो, जैसे कर्म में आना है तो कर्म में आओ, लेकिन जैसे कर्म से फ्री हो वैसे अपने फरिश्ता प्रकाश वाला शरीर ज़्यादा देखने का अनुभव करो। तो इसे हम देही सिनारे हो सकते हैं, देह का आदत पड़ी हुई है ना, तो देह को ना देखो, प्रकाश का शरीर देखो। ओम शांति। जो बाबा ने शिव बाबा के गले का हार या रुद्रमाला का कहा, तो रुद्रमाला होती ही निराकार की है। तो एक तो वो वाली स्टेज की हम आत्मिक स्वरूप या निराकार पॉइंट ऑफ लाइट, बीज रूप स्थिति, उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे तो हम रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, बाप समान स्टेज, जो शिव बाबा के समान। और दूसरा बाबा ने कहा ना, देह भी याद ना पड़े, तो वो कर्मयोगी स्टेज है हमारी, कि जितना हम ये प्रैक्टिस का चार्ट बढ़ाते कि कर्म करते हुए भी हम मनसा सेवा करते रहें, अपने आप को किसी टर्निंग पॉइंट में इन्वॉल्व रखें। तो जैसे क्या होता ना कि मन और बुद्धि वहां इन्वॉल्व है, तो फिर हमें ये नहीं याद आता कि हम देह हैं, चाहे बेशक देह के लेवल पे काम हो रहे हैं लेकिन इस विस्मृति रहती है, और वो आत्मिक स्टेज का ध्यान रहता है कि मैं मतलब बाबा की याद में हूँ। और जो बाबा ने समीप की बात की ना, तो जितना जितना हम अपने गृहस्थ में है लेकिन हम बाबा की स्मृति से हर संबंध को भी देखते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना सर्व संबंध से मुझे याद करो, तो जितना जितना बाबा से नजदीकियां बढ़ती है, सर्व संबंध से हमें बाबा की याद आने लगती है, तो वो समीपता है। क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बनना ही मामा ब्रह्मा बाबा की डायनेस्टी में आना, तो ब्रह्मा बाबा के नजदीक भी आएंगे हम सत्युग में, और इस समय भी नजदीकता का एहसास होगा हर समय अगर हर कर्म से इन्वॉल्व कर लें बाबा को। तो एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, उसमें हम स्टार मेडिटेशन करते हैं, तो कर्म करते हम एक पॉइंट को भी यदि ले ले तो वो भी हम सभी करते हैं, तो हमको वो अच्छा अनुभव होता है देह से न्यारा होने का। तो कर्म करते हम एक पॉइंट में भी बाबा की शक्ति डालने का बीच बीच में अभ्यास करते रहें तो भी हम देह से न्यारे हो जाते हैं, कर्म करते भी हम वो कर सकते हैं। मतलब इतना एकदम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बार बार यदि स्मृति में आएगा तो जैसे बुद्धि के पॉइंट है, 16 नंबर पॉइंट है, उसमें देना है मन बुद्धि संस्कार, किसी में कोई भी एक को लेकर के हम बार बार यदि करें इस व्यक्ति को, तो भी हम देह से न्यारे हो जाते हैं। जी, जैसे दीदी आज मुरली में आया ना कि बाबा को पलकों में रखना है, ये पॉइंट भी हम ले सकते हैं कि बाबा मेरी पलकों में है और मैं बाबा के नैनों का नूर हूँ। ये पॉइंट लेकर भी हम दिन भर काम करें ना, तो मैक्सिमम याद रहती है, फिर मुरली के और पॉइंट इससे रिलेटेड याद आने लग जाते हैं, तो इस तरह से मन बुद्धि बिजी रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मन का टाइम टेबल बनाओ, जैसे हम टू डू की लिस्ट हमेशा बनाते हैं, तो मन को भी किसी पॉइंट से जोड़ के या पुरुषार्थ से जोड़ के याद में रह सकते हैं, और देह को भूलते जा सकते हैं। जैसे लाइट एंड माइट बन के मैं काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है जब हम कंप्लीट ऑटोमेटिक इसमें चलते जाते हैं, ऑटोमेटिक माना जो कर्म जब करना चाहिए तब करते जाते हैं, तो वो हम याद में ही है ऐसे मुझे लगता है। वो अवस्था क्या होगी ये संपूर्ण अनुभव मैंने कभी नहीं किया है, बाबा कराएंगे जब। बाबा आगे कहते हैं, बाप कहते अब तुमको हीरे जैसा जन्म मिला है,
तो मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटा मेरी याद में रहो। बाबा 8 घंटा ही क्यों कहते? मुझे कल भी क्वेश्चन आ रहा था। बाकी तो हम बेहद में निरंतर याद करें एक ऐसी अवस्था होती है, पर व्हाट इज द रिलेशनशिप? 8 घंटा क्यों बोला है? किसी ने कभी सोचा इस पॉइंट जी, जी जी दीदी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब से मैंने 8 घंटे का चार्ट बनाया कि अमृत वेला अनुमान शाम रात्रि योग मुरली पढ़ना फिर मुरली की चर्निंग करना या जूम में पहले भी किसी और आईडी से जुड़ते थे तो वहाँ मुरली क्लास कराना या करना फिर कभी सेंटर पे जाना मतलब कम से कम 8 घंटा या खुद बैठ के योग करना एक अव्यक्त मुरली पढ़ना तो मैंने देखा इन 8 घंटों का इम्पैक्ट ना हमारे 16 घंटों पर आता है क्योंकि जैसे बीच बीच में निकलेंगे ना 8 घंटे लगातार 8 घंटे नहीं है अमृत वेला किया फिर उसके बाद फटाफट स्पीड से नहा धो के मुरली की या पहले नहाए मतलब कुछ भी लेकिन 7 o'clock तक का टाइम हमारा बिजी है 3 to 7 उसके बाद 7 to 10 जो हो रहा है तो वो हम ब्रेकफास्ट भी बना रहे लेकिन जो 4 आवर्स हमने उसमें दिए तो वो चर्निंग मन और बुद्धि को एक पॉइंट मिल जाता है कुछ तो वो चर्न चल रहा है लेकिन साथ में नाश्ता भी बन रहा है और फिर बाबा को भूख लग रहा है उसके बाद 10 से 12 का टाइम हमारे पास होता है तो वो 1 घंटा मैं निकाल के मुरली की गहराई से अध्ययन करती हूँ साकार मुरली का ही उसके पॉइंट्स नोट करती हूँ उसमें से कुछ अपने लिए होमवर्क लेती हूँ कि आज मुझे इस पर काम करना है या आज मुझे इस पर करना है ये बाबा ने ये पॉइंट दिया ये क्यों बोला तो उसकी चर्निंग हो रहा है तो इस तरह से फिर 1/2 hour योग किया जैसे 12 से 12:30 या कुछ भी और 3:30 से 5 क्लास होती है वो ली फिर सेंटर चले गए 1 घंटा ऐसे करके टोटल 8 घंटा होने लगा ना तो उस बीच बीच का जो टाइम है उसमें भी चर्निंग ही चलती है ज्ञान के पॉइंट चलते हैं या सिचुएशंस आती हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है उस पर फोकस रहता है क्योंकि बुद्धि को फ्री नहीं छोड़ा ना तो मैंने भी सोचना शुरू किया था कि बाबा 8 घंटे क्यों कहता है 8 घंटे क्यों कहता है और फिर उसका एक्सपीरियंस हुआ मतलब ये आज हमने बढ़ाने हैं बढ़ेंगे कैसे कि कर्म करते हुए भी फिर याद रहने लगती है बाबा की पॉइंट्स की जी। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन 8 घंटों का फिर 16 घंटे पे असर पड़ता है यानी कि दूसरे 8 घंटे जो वर्किंग के उस पे असर हुआ और फिर जो नींद के कहें बाबा कहते हैं स्वप्न में भी तो फिर वो 6 hours की नींद भी है वो भी जैसे बाबा की याद में ही होने लगती है दीदी। हाँ जी इस रिगार्डिंग बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बोला है अभी मैंने रिसेट पे पढ़ा उसको बाबा बोला था कि आधा पूरा जैसे 24 घंटे होता है तो आधा टाइम अपना काम करो नींद करो कुछ भी करो और आधा टाइम बाबा को याद करो फिर बाबा बोले कि अच्छा जिनको ज्यादा काम होता है नींद ज्यादा करनी होती है तो ठीक है वो 2 घंटे ले सकते हैं माना बाबा ने 10 और उसका रेशियो बता दिया 14 का फिर बाबा बोले अच्छा जिनको बुद्धि का बहुत काम होता है ना उनको टाइम कम मिलता है तो वो 2 घंटे और माइनस कर सकते हैं ऐसे करके फिर बाबा ने ये रेशियो निकाला 8 घंटे का तो जैसे निर्मल दीदी बोल रहे थे इसका है जब 8 घंटे आप इसमें इंडल्ज रहते हैं इस चीज में तो फिर उसका इफेक्ट इतना ज्यादा हो जाता है मन पे कि बाकी जो रेस्ट हमारा टाइम बचा है उस पे उसका इफेक्ट आता है तो हमें बाबा तो आधा आधा बोलता है मतलब उस वाणी के हिसाब से तो बाबा ने आधा आधा बोला 12 घंटे ये काम 12 घंटे ये काम लेकिन हमारी सुविधा के लिए जैसे बाबा ने उसको 8 कर दिया ओम शांति थैंक यू फॉर शेयरिंग कुछ बातें सामने निकल गई और भी हाँ जी इसमें थोड़ा अलग चिंतन चल रहा था आई जस्ट पिक्ड अप इट आई एम स्टिल थिंकिंग आई जस्ट पिक्ड अप इट जैसे आई वाज थिंकिंग कि जैसे हमारे जीवन में 8 रिलेशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो बहुत सारे लेकिन जैसे मदर फादर ब्रदर्स फ्रेंड्स बच्चे वाइफ ऐसे ऑन द अदर साइड ऐसे 8 ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं तो एक तो आई वॉज थिंकिंग दिस एंड सेकेंड
जो आई वॉज थिंकिंग वॉज बाबा अष्ट रत्न के बारे में बहुत बोलता है. सो जैसे एट का, आई वॉज जस्ट लुकिंग एट एट का रेफरेंस, मतलब एट कहाँ कहाँ यूज हुआ है. एंड ऑल्सो नवरत्न में शिव बाबा रख के आठ का आई वॉज थिंकिंग. एंड ऑल्सो एज एवरी वन सजेस्टेड, 1/3, जैसे 1/3 ऑफ द यूनिवर्स इज लाइक, बाकी सब वाटर है, सर्वाइवल सिर्फ 1/3 है. ऐसे ही 1/3 ऑफ द टाइम में हम अपना लगा रहे हैं याद में. सो आई वॉज जस्ट क्वान्टिफाइंग नंबर 8 विथ द यूनिवर्स एंड टेकिंग लाइक स्पिरिचुअली ऑल्सो नंबर 8 का बहुत हाई एंजेलिक नंबर हो कहते हैं नंबर 8 को. सो ऐसे आई वॉज थिंकिंग कि 8 का कहाँ कहाँ रेलिवेंस है. आई वॉज जस्ट जी थिंकिंग इन ओम शांति. मुझे थैंक यू, बहुत सुंदर मंथन हो सकता है इस पॉइंट में, तो आज हम सोच सकते हैं. बाबा कहते कि मेरे लाडले बच्चे, नींद को जीतने वाले बच्चे, कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो. अभी वह अवस्था आई नहीं है. चार्ट रखो, हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं. बाप को याद करने से वर्षा भी उतनी रहेगा. प्रवृत्ति मार्ग है ना. नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म. बाप राजयोग सिखला कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है. तो फिर यह शास्त्र ज्ञान शास्त्रों में कहाँ से आया? रामायण आदि तो पीछे बनाई है, सारी दुनिया ही लंका है, रावण का राज्य है ना. बंदर जैसे मनुष्य को पवित्र मंदिर लाए बनाकर रावण राज्य को खत्म कर देते हैं. सदगति दाता बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, उनको सदगति करनी है अंत में. बाबा कहते बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे से सुने, मैं कौन हूँ पहले निश्चय चाहिए. मैं तुम्हारा वही बाप, मैं तुमको फिर से सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ. यह ज्ञान तो बाप सम्मुख देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है. फिर जब द्वापर में खोजते हैं तो वही गीता आदि शास्त्र निकल आते हैं. भक्ति मार्ग के लिए जरूर वही सामग्री चाहिए जो अभी तुम देखते हो. औरों का ज्ञान तो परंपरा से चला आता है, यह ज्ञान तो यहाँ ही खत्म हो जाता है. बाद में जब खोजते हैं यही शास्त्र आदि हाथ में आते हैं, इसलिए इनको अनादि कह देते हैं ना. वंडरफुल ज्ञान है, परंतु तो ये यही खत्म हो जाता है और फिर दूसरे जो शास्त्र है द्वापर से फिर से शुरू हो जाते हैं. तो बाबा कहते हैं द्वापर में सब वही शास्त्र निकलते हैं, तब तो मैं आकर फिर से सभी का सार सुनाता हूँ. फिर वही रिपीटेशन होगी, वह रिपीटेशन को मानते हैं. वे क्या कहते हैं? अनेक मते हैं. वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई जान न सके. उन्होंने तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कर दी है. ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं कि महाभारत युद्ध को 5,000 वर्ष हुए, यह फिर से वही लड़ाई है. तो जरूर गीता का भगवान भी होगा. अगर कृष्ण हो तो वह फिर मोर मुकुट धारी चाहिए. कृष्ण तो सत्य में ही होता है, वही कृष्ण तो अब हो न सके. इनके दूसरे जन्म में भी वही कला नहीं रहती. 16 कला से 14 कला बनना है तो जन्म बाय जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता जाएगा ना. ऐसे तो मोर मुकुट धारी बहुत है. कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है. यह बहुत गुह्य राज है. आज बाबा बहुत गुह्य राज बता रहे हैं, पहले भी ऊपर बताया और आगे भी बता रहे हैं, तो इस पर भी हम सोच सकते हैं कि कैसे कला कम होती जाती है. और इसका भी रीजन क्या होता है कि बल्कि हम की संपूर्ण स्टेज में है, परंतु जन्म लेने से ऐसा क्या हो जाता है? अभी किसी को पॉइंट अगर टच हो रहा है तो शेयर कर सकते हैं.
उम्र जान से थोड़ी थोड़ी कला कमती होते जाती है। एक ही एक पॉइंट इमीडिएटली याद आ रहा है धीरे, जी कि जब किसी चीज का ग्रिप कम हो जाता है ना, मतलब जब उसका टच यूसेज कम हो जाता है तो उसकी बुद्धि में रेलेवेंस भी कम हो जाती है। जैसे अभी भी हम अगर किसी चीज को ऑनेस्टी ले लीजिए, अगर हम बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं और उसको रोज यूज कर रहे हैं उस ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को, इन चेकिंग इन एवरी प्लेस, देन हमारी ऑनेस्टी का वो संस्कार गढ़ता जाता है, समाता जाता है। लेकिन अगर उसी ऑनेस्टी का हमारा जैसे हमारे उतना यूसेज नहीं हो रहा, मतलब इट इज नॉट कमिंग इन द फ्रंट ऑल द टाइम, या तो उस संस्कार का डलनेस आती जाती है। तो जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जंप होता है तो हमारा जैसा संस्कार का रबिंग ऑफ हो रहा है तो यूसेज जैसे जैसे दिख रहा है औरों के प्रति, विद ए चाइल्ड कम्स अप, वो अपने आस पड़ोस के लोगों को जब देखता है उस संस्कार को यूज करता हुआ, और उस संस्कार को फिर उसके इम्प्रिंट्स उतने ही यूसेज तक के आ जाते हैं। मतलब दैट आई थिंक ऐसे कला कम हुई तो यूसेज से, मतलब जितना जितना हमने वैल्यूज को यूज करना कम कर दिया तब वैल्यूज की इम्पोर्टेंस बुद्धि में कम हो गई और इसलिए हमारी वो वैल्यूज की पकड़ कम हो गई। पुनर्जन्म से क्या रिलेशन है? थैंक यू। बाबा के कहते हैं, बाप कहते ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। जिनके पास धन बहुत है वह तो समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। बाप कहते भल यह स्वर्ग तुमको मुबारक हो, बाप तो गरीब निवास है, गरीबों को दान देना है, गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। हाँ कोई बिरला साहूकार भी निकलता है, ये बहुत समझने की बातें हैं। देह का भार भी छोड़ना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, नई सृष्टि नई बन जाएगी। कोई तो एडवांस में भी जाएंगे, श्री कृष्ण के माँ बाप भी तो एडवांस में जाने चाहिए, जो फिर कृष्ण को गोद में लेंगे। कृष्ण से ही सत्य शुरू होता है, उसके पहले संगम रहता है, ये लोग बड़ी गुहे बातें हैं। आज बाबा देखो कौन सी गुहे बातें सुना रहे हैं, तीसरी गुहे बात हो गई, ठीक है ना। इन तीनों गुहे बातों को लेकर जरूर मंथन करेंगे, कौन बाबा को कृष्ण को गोद में लेंगे जो एडवांस में जाएंगे, यह तो समझ की बात है। कौन माँ बाप बनेंगे, कौन सेकंड नंबर में आने लायक है, सर्विस से भी तुम समझ सकते हो। कभी किसी ने सोचा है इसके लिए? मेरा तो मंथन चलता है हाँ दादियाँ होंगी, खुद का नहीं ध्यान आता है, ऐसे लगता है नहीं गुलजार दादी, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादियाँ, ये सब बनेंगे, और किसी का गैलअप चलता है। दीदी जी चला तो नहीं, लेकिन जैसे बहुत वरिष्ठ बहन भाई है ना, उनसे सुना है कि जो भाऊ और दीदी जो होंगे वो माँ बाप होंगे कृष्ण के। किशोर किशोर भाऊ? हाँ जी। अच्छा और कौन? दीदी मनमोहिनी। ओके जैसे बोला है। इस बहन का भी एक बार आया था मंथन, जिसमें शी शेयर्ड इट कि इस संसार में देखा जाए तो लाइक एज पर हर मंथन कि मोस्ट पावरफुल सोल योगी सोल वो मम्मा है, तो मम्मा ही फर्स्ट पहले निमित्त बनेगी कृष्ण के जन्म में, एंड देन शी विल लीव द बॉडी एंड देन शी विल अगेन टेक बर्थ एंड बिकम राधा, ऐसा उनका एक मंथन में आया था। दीदी राधा को बताते ना 5-6 साल बड़ी थी कृष्ण से, मतलब भक्ति में भी सुना है ना, ऐसा बोलते हैं, लेकिन सत्यु का नियम तो बोलते हैं कि वो कम होगी, मतलब आई डोंट नो सर, भक्ति में ऐसा बोला जाता है, लेकिन बाबा ने एक दो बार बोला था कि राधा विल बी यंगर टू कृष्ण। नहीं जो आप कह रहे थे ना कि आके वो अपना पाठ करके चले जाएंगे उस हिसाब से बड़े, नहीं उस हिसाब से बड़े नहीं है जी। राधा को
बड़ा इसलिए कहा जाता है, ये संगम पर मम्मा जो है बाबा से पहले कंप्लीट बनी थी, जी, तो वो भक्ति में उस तरह से लिखा गया है, तो हम लोगों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया कि वो एज में बड़ी थी, इसलिए बोला गया राधा के लिए, अदरवाइज वो सत्युग में छोटी ही है। और जो अभी बहन ने शेयर किया यही मैंने बात सुनी, पहले हम सुनते थे कि मनमोहिनी दीदी मतलब श्री कृष्ण को जन्म देंगी, बाद में मैंने सुना कि मम्मा, क्योंकि बाबा भी मम्मा को मम्मा ही कहते थे और मम्मा ही जन्म देंगी बाबा को, उसके बाद वो बॉडी मतलब छोड़ देंगी और उसके बाद जन्म लेंगी, जैसा अभी बहन ने शेयर किया, और वो छोटी ही होंगी, और इसीलिए कहा जाता है शायद कि यशो मतलब देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पाला, तो शायद कोई दूसरी सोल पालना कर देंगी, और इस तरह से ये, अब ये खुद की चरणी नहीं है, ये सब सुना है हमने भी वरिष्ठ भाई बहन। जय श्री बहन, ओम शांति। ये सभी ने जो बोला वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। एक चीज मेरे को भी आई थी कि जितनी भी एडवांस पार्टी की सोल्स हैं, वो जो बूम है जो श्री कृष्ण के लिए रेडी हो रहा है उसको चार्ज करेंगे, प्योरिफाई करेंगे, और उस प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस चलेगा उसके बाद फिर जो श्री कृष्ण का जन्म होगा, फिर जैसे अभी दीदी ने बताया कि वो अभी गुप्त है कि कौन उनके मम्मी मदर फादर बनेंगे, लेकिन वो होंगी प्योर सोल्स, बट इतनी नामी गिरामी नहीं होगी। जो एडवांस पार्टी की सोल्स हैं वो रूम को एनर्जाइज करेंगी, प्योरिफाई करेंगी, और ये यहाँ तक मतलब सुना था, टर्निंग अपनी नहीं है, बट एक बहन के द्वारा एक ने रिवील किया था कि कैसे सतयुग यू नो स्टार्टिंग होगा श्री कृष्ण का, तो मुझे ऐड करना था। तो वो मम्मा और मनमोहनी दीदी उनके पेरेंट बनेंगे, मदर बनेंगे, ये अभी हम कह नहीं सकते हैं, इस पे वी हैव टू थिंक अबाउट इट, एंड आई थिंक बाबा विल रिवील इन द कमिंग अप टाइम्स। शांति, थैंक यू। हिमा दीदी को शेयर करना चाहते हो? जी, बहुत वंडरफुल। जितना भी जाना है, ये हमेशा मेरा ये रहता है बाबा से, और भी डिटेल पता चलेगा जैसे जैसे हमको क्लैरिटी आती जाएगी। एंड ऑल्सो अब आगे कहते हैं, लग से भी कोई गैलप कर आगे आ जाते हैं, ऐसे हो रहा है, पिछाड़ी वाले बहुत फर्स्ट क्लास सर्विस कर रहे हैं। रूह को बसंत तुम बच्चे, बाप को भी बसंत कहा जाता है तो स्टार, इतना बड़ा तो नहीं, इतना बड़ा तो है नहीं, परमात्मा माना परमात्मा, आत्मा का रूप कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मनुष्य कहा मुझे नहीं, इसलिए बड़ा रूप दिखाया है। ऊंचे थे ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा भी व्यक्त से अव्यक्त बनता है, और कोई चित्र है नहीं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, शंकर का पाठ सूक्ष्म वतन तक है। हरेक का बाबा पाठ एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है, न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं। बाबा शंकर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ये सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, यह शास्त्र फिर भी निकलेंगे, उनमें कुछ आटे में नमक जितना सच है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अक्षर राइट है, फिर कह देते श्री कृष्ण भगवान, यह बिल्कुल रॉन्ग। देवताओं की महिमा अलग, ऊंचते ऊंच है ही परमपिता परमात्मा, जिसको सब याद करते हैं उनकी महिमा अलग है। सब एक कैसे हो सकते हैं, सर्वव्यापी का अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा आगे कहते, तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, परंतु गुप्त हो। आज ये चौथे गुप्त बात बता रहे बाबा, स्थूल हथियार आदि तो हो न सके, यह ज्ञान के बाद ज्ञान कटारे की बात है, मेहनत है पवित्रता में, पाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे, वर्षा बच्चों को ही मिलता है। बाप आशीर्वाद करते हैं, माया रावण तो शापित करती है, तो ऐसे उस बिलवट बाप के साथ कितना प्यार चाहिए, बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए,
खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। इस समय तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाबा आया है। सबकी ज्योति जग जाती है तो सब मीठे बन जाते हैं, बाबा जैसा मीठा बनना है। बाबा ने ज्योति जगना और मीठापन से रिलेशन किया है। बातें हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। लेकिन बाबा कितना निरंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए। जैसे घर घर में मंदिर बनाते हैं, तुम बच्चियाँ एक एक जन्म के लिए हेल्थ वेल देती हो श्रीमत पर। तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहा अपने मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। इसको दुख मत दो। जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है। तख्त मशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और रुखमानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति धारणा के लिए मुख्य सार है। बाप समान निरंकारी दम सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका दिल से रिटर्न देना है। बहुत मीठा बनना है। हम कैसे रिटर्न देंगे ये सोच सकते हैं। दूसरा, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए ड्रेस करनी है। देह भी याद न पड़े इसका अभ्यास करना है। प्रधान है, ड्रामा के हर राज को जान सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी हैं वे कभी नाराज नहीं हो सकते। कल कोई गाली भी इंसल्ट करें तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है। इसलिए सदैव यह स्फूर्ति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे। तो अभी जो खुश भी है राजी भी है वही बाप के समीप और समान है। मुझे हिमा दीदी की क्लास याद आ रही, बहुत सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है उसमें। प्लीज आप वॉच करना। मैंने भी क्लास सुनी तो मुझे ये पॉइंट बहुत क्लियर हुआ। मुझे ड्रामा के राज को कैसे जाने और कैसे हर सीन के साथ खुद को मोल्ड करते हुए आगे बढ़े तो हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं हो सकती। श्लोकन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट महात्मा है। अच्छा, ओम शांति। वो आगे श्वेता दीदी आप सुनाएंगे ना? यस शांति, शैल आई कंटिन्यू? यस।
हम दादी प्रकाश मणि जी का एक्सपीरियंस सुनेंगे। बाबा मैं तो श्री कृष्ण की बन चुकी हूँ, प्रकाश मणि दादी बोल रही है। इससे पहले कि एक घटना मुझे याद आती है, एक दिन हम तीन सखियां सत्संग में जा रहे थे। उस समय हमें रंगीन कपड़े पहनते और चेन आदि कुछ जेवरे भी पहने थे। बाबा का घर बाजार के बीचों बीच था। घर नीचे से बहुत बड़ा था, ऊपर एक ही कोठी थी जहां बाबा अकेले रहते थे। जब हम बाजार से होकर सत्संग के लिए बाबा के मकान में जा रहे थे तो बाबा ने ऊपर से हमें देखा और संदेश भेजा कि बच्चों को ऊपर आने के लिए कहो। हम घबरा गए कि बाबा हमें ऊपर क्यों बुला रहे हैं। हम गए तो बाबा ने पूछा, बच्ची तुमको कोट पैंट वाले से शादी करनी है या पीतंबरदारी से शादी करनी है? हमें तो ये प्रश्न समझ में नहीं आया, क्योंकि कोट पैंट क्या होता है और पीतंबर क्या होता है यह भी पता नहीं था। यह भी हो हमें आश्चर्य लगा कि यह भी हमें आश्चर्य लगा कि बाबा शादी की बात क्यों कर रहा है। फिर बाबा ने पूछा, बच्चे बोलो बच्ची, तुमको श्री कृष्ण से शादी करनी है या कोई लड़के से शादी करनी है? मैंने कहा, बाबा मैं तो श्री कृष्ण से शादी कर चुकी हूँ और किसी से शादी करने के बात ही नहीं। फिर बाबा ने कहा, अगर श्री कृष्ण से शादी की हो तो ये रंगीन कपड़े और जेवर क्यों पहने हुए हो? उस दिन के बाद आज तक मैं ना जेवर पहने ना रंगीन कपड़े पहने। आगे बोलती है दीदी, दादी कहा गए मोरे गिरिधर गोपाल। उस समय हमें ज्ञान की बहुत मस्ती चढ़ी थी। फिर अप्रैल मई मास में मम्मा को ओम मंडली की जिम्मेदारी देकर बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ कश्मीर चले गए। वहां से बाबा ने मम्मा को पत्र लिखा कि ओम राधे, हैदराबाद में स्कूल बन रहा है और सत्संग में आने आने वाली माताओं के बच्चे और बच्चियों के लिए जब तक तुम भी बोर्डिंग नहीं बनवाओगे तब तक मैं हैदराबाद नहीं आऊंगा। बाबा ने जाते समय कहा ताकि मैं एक मास के लिए कश्मीर जा रहा हूँ, लेकिन 3 मास तक बाबा वही रुक गए। हम सब बच्चे दिन रात रोते रहे कि बाबा कहाँ गए मोरे गिरिधर गोपाल, हम तो पागल जैसे बन गए थे। सब बाबा बाबा कहकर तड़प रहे थे। कई मास तक हम जब भी बाबा को देखते थे बाबा श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ते थे। कई मास तक मुझे भी श्री कृष्ण ही दिखाई पड़े, मेरी आंखों में कृष्ण ही रहता था। आगे का अनुभव हम कल सुनेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा की आज्ञा।